अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा की सॉस बनाऊंगी मैं आज। तो उसके लिए मैंने ये एक कैन लिया है टमाटो सॉस का, मैं आधा डालूंगी, पूरा नहीं यूज़ करना है मुझे। और मैंने तीन बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उसे मैंने चॉप कर लिया है अच्छा सा, और ओवन में 2 मिनट मैंने इसको नरम कर लिया। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें 1/2 टेबल स्पून डालना है अपनी मर्जी से, काली मिर्च भी अपनी मर्जी से डालना है, मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी। अदरक में डालूंगी 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, और ये इटालियन हर्ब्स हैं ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून, और दो से ढाई टेबल स्पून ऑयल है। और मैं यहाँ एक फ्राई पैन गर्म कर रही हूँ, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ये देखिए जो ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। और इसमें कुटी मिर्चें और ये हर्ब्स डाल दूंगी। कुटी मिर्चें मैं और डालूंगी, कम लग रही है, अपनी मर्जी से ले लें, और थोड़ी सी काली मिर्च। डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर। ये देखिए जी, ये पक रहा है। अब मैं इसमें ये कैन डाल दूंगी, एक कप समझ लें। और मैं इसे अब पकाऊंगी 2 मिनट तेज आंच में ही पकाऊंगी। ये देखिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी। ये देखिए जी, ये हमारा रेडी है। मैं इसे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे निकाल लेंगे अब हम। ये देखिए कर दिया मैंने, मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए जी, हमारा पिज्जा सॉस रेडी है। इसमें मैंने नजर आ रहे हैं आपको टमाटर, टमाटर के पीस ये मैंने जानबूझ के रखा है। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको अच्छा सा ग्रेंड कर लें मशीन से। तो ये बनाएं और इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसको ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार में भर के आप इसको फ्रीजर में डाल दें, और उसमें 2 टेबल स्पून सिरका डाल दें। सिरका डालने से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखें, ये रेडी हो गया, और बस अब इजाज़त दीजिए इसको बनाएं इसी तरह। और मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो थम्स अप करें। अगर कोई गलती है बनाने में तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, बताएं, अपनी रिक्वेस्ट मुझे सेंड करें। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी ज्वाइन कीजिए, कुकिंग विद सैयद। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।